हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल। आज मैंने कुछ प्रोडक्ट अपने लिए बुलवाए हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप दुकान में कुछ काम कर रहे हैं और या सीख कर आए हैं और आपको नहीं पता इनके बारे में, तो ये जरूर आप इनके बारे में जानिए। वीडियो को पूरा देखिएगा आखिरी तक, बहुत छोटा सा वीडियो है क्योंकि बहुत छोटा रिव्यू मैं देने वाला हूँ। और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है ऐसे लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ और लेटेस्ट हैंडसेट में, लेटर हैंडसेट के डायग्राम, उसके बेसिकली सप्लाइयां, चार्जिंग, आपके वाईफाई, आपका नेटवर्क सेक्शन हो या ऑडियो सेक्शन हो, टच हो, डिस्प्ले, ग्राफिक्स और तरह तरह की BSI, थर्मल, टेम्परेचर का एरर क्यू, सारी चीजें अगर आपको जानना है और आपको एक अच्छा एक लेंदी कोर्स करना है, मतलब अगर आपको, आप नहीं चाहते कि 5-10 दिन में कोर्स करके आप घर चले जाएं एक बड़ी फीस देकर, आप चाहते हैं कि एक बार कोर्स करें पर घर जाके कुछ ना कुछ मेहनत करें और काम करें ताकि आपका वो पैसा वसूल हो और उसके बाद अपडेट के लिए आया तो कभी भी कोई पैसा देने की जरूरत ना हो, तो आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन कीजिए आज के और नीचे दिए नंबर पर। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि एशिया टेलीकॉम इंडिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो डेली लाइव वीडियो आता है अपनी क्लास के, आप उसको देखना है तो फेसबुक की लिंक, सबसे पहले ये लिंक मैंने नीचे डाली हुई है, उस पर जाइए और देखिए डेली लाइव वीडियो, फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक ऑफिशियल चैनल को और देखिएगा डेली फेस, मतलब सुबह भी, क्योंकि हमारा एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, 8 से 8 मतलब 12 घंटे लगातार आपको और डेली विदाउट एक डे मिस किए हुए पढ़ाता है। प्रैक्टिकल हैंड स्किल 9 दिन खाली, मैं बोलता हूं फिर से कि पहला इंस्टीट्यूट जो 9 एक दिन, जिनकी लोगों की 10 दिन की क्लास होती है, हमसे 9 दिन लगातार हमसे ब्लैक ग्लू पेस्ट पे काम कराते हैं। सो वो बहुत सारी चीजें हैं, आप जब यहां आएंगे तो आपकी हैंड स्किल बहुत ज्यादा होगी, लाइव CPU निकलवा के लगवाना या फिर हम पावर IC का काम करवा रहे हैं, EMMC की बात करें या ट्रेसिंग फॉल्ट फाइंडिंग उनके फॉल्टी मोबाइल पे। तो चलिए देखिए मेरे पास में क्या है, आइए दिखाइए यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरे पास में 2 PCB स्टैंड है, अभी बिल्कुल नए लेटेस्ट ये PCB स्टैंड मार्केट में चल रहे हैं, और एक मेरे पास में UV लैंप है। यहाँ पे आप देखेंगे UV लैंप, पहले आप UV लैंप मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए पहले है ना इस तरह के UV लैंप आते थे, अभी देखिए किस तरह के UV लैंप आ गए, काफी अच्छे अपडेटेड UV लैंप आ गए। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं UV लैंप के साथ ही शुरुआत करता हूं, तो ये छिनली का UV लैंप है, आप इसको काइंडली छिनली कुछ भी बुला सकते हैं। एक यहाँ पे मैनुअल बुक जो टेक्नीशियन के किसी काम की नहीं क्योंकि चाइनीज में है और कुछ थोड़ा बहुत हिंदी में है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये आपको इस तरह का मिलेगा देखने को, काफी अच्छी लाइटिंग है और पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस काफी बेस्ट है। यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं और एक सी टाइप का यहाँ पर आपको USB चार्जर टाइप का आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर लगाया और देखिए ये यहाँ पर ये चालू हो गया है, काफी अच्छा है और पोर्टेबल है। और अगर मैं बात करूं ये देखिए यहाँ पर इस बटन को मैं प्रेस करूंगा तो देखिए आप लाइट देख सकते हैं, काफी तेज लाइट है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे, एक देखिए 20 सेकंड का यहाँ पर रेसो चल गया है, आप इसको सेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बोला था शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं। सो ये एक UV लैंप है, इसके अंदर एक कौन से है कि इसके अंदर है ना इनबिल्ट बैटरी नहीं आती, देखिए हट गया। सो आप क्या कर सकते हैं इसको हटाकर इसके अंदर एक बैटरी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। यह PCB स्टैंड, ये देखिए कमाल का PCB स्टैंड है, मैकेनिक का ये PCB स्टैंड है और मॉडल नंबर आप देख सकते हैं MR6 Pro यहाँ पे दी हुई है। और ये उन टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छा है जो पेस्टेड IC पे काम करते हैं, तो ये आप देखिए कितना अच्छा और काफी हैवी और बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का एक PCB स्टैंड है। तो यहाँ पर जैसे सपोज अगर मैंने कोई पेस्टेड IC निकाली है, जैसे देखिए ये मैंने अभी ओप्पो के मोबाइल से पेस्टेड IC निकाली थी जिसपे हम अभी एक काम कर रहे थे, दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये इसका पेस्ट हमने हटाया था यहाँ पर, और यही हम सिखाते हैं स्टूडेंट को कि कैसे काम करना है बिना कोई ट्रैक बिना कोई वो निकाले। ये देखिए ये NC's है, तो ये हमने निकाला था। तो अब सपोज ये देखिए अब क्या होता है कि जनरली इस तरह के स्टैंड में आप इस तरह के IC लगाते हैं, तो इस तरह के जब IC लगाएंगे ना तो ये IC टेढ़ी मेढ़ी या IC जनरली टूट जाती होगी, टेढ़ी हो जाती होगी, झुक जाती होगी। अब यहाँ दिखाइए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए आपको सिर्फ ये स्टैंड का स्टैंड है, अब जैसे सपोज मैंने एक जगह बोर्ड भी लगा लिया, ये देखिए मैंने एक जगह यहाँ पर बोर्ड भी लगा लिया, बोर्ड से साथ काम कर रहा हूँ, एक जगह IC में काम कर रहा हूँ। देखा ये मैं एक बार IC में काम करते हुए दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिएगा ये मेरी पेस्टेड IC है, ये आप देख सकते हैं। तो ये फुल ब्लैक पेस्टेड है, बिल्कुल काला डावड़ वाला ब्लैक पेस्टेड है,
बिल्कुल निकाला है और अभी इसको बिल्कुल बस कोई भी इस पर अभी हैंड वर्क नहीं किया है। अब ये पहली बार हैंड वर्क कर रहा हूँ इस आईसी पर, ये लाइव वीडियो में आप देख रहे हैं अभी, ठीक है। ये देखिए आईसी एक बार भी हिल नहीं रही होगी, मैं दिखाता हूं यहां पर, ये देखिए आईसी एक बार भी हिल नहीं रही है यहां पर, क्योंकि बहुत अच्छा तरीके से आईसी यहां पर सेट हो गई है। सबसे बड़ी बात इस यहां पर इस तरह से भी दिखाइए थोड़ा जूम करके, ये देखिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों आईसी पेस्टेड आईसी पे काम करना, क्योंकि उसका पेस्ट काटना जनरली हम किसी बहुत अलग अलग तरीके से हम आईसी पर रख के पेस्ट काटते हैं। मैंने देखा होगा बहुत सारे लोग ये देखिए इस तरह से आईसी पे पेस्ट काटते हैं, जैसे यहाँ पर ये रखा यहाँ पर और फिर इस तरह से ये आरएन चलाते हैं और जो छोटे छोटे खाने होते बने होते हैं उस पर चलाते हैं, बट ये सबसे बेस्ट है। अब थोड़ा सा पेस्ट निकालेंगे, देखिए देखिएगा आप, ये देखिए आईसी टच से मस्त नहीं हो रही है, ये देखिए कितनी जल्दी पेस्ट निकल रहा है, देखिए टीवी में दिखाइए, देखिए आप बहुत हार्ड ग्लू है ये ब्लैक ओप्पो का, ये देखिए देखिए कितना आसानी से पेस्ट निकाल दिया और आईसी वैसी, क्योंकि आईसी को यहाँ पे ना बेस बहुत ज्यादा मिला है, जनरली स्टेंसिल्स में आईसी को बेस कम मिलता है। देखिए क्योंकि फिलहाल मेरे को आपको शो करना था, उसको शो करने के लिए मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, देखें यहाँ पर ये भी। अब तो ये स्टेंसिल्स बहुत अच्छी है, मैं सभी को रिकमेंड करूंगा ये स्टेंसिल परचेस करने का, ऑलमोस्ट हमारे सारे स्टूडेंट को तो हम बताते ही हैं, आपको भी बता रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक पीसीबी स्टैंड मैंने और परचेस किया, दिखाता हूँ मैं इस कार में, ये WL का है, अभी ये मैकेनिक का दिखा रहा है, ये WL का है, तो ये भी काफी अच्छा है, ये देखिए ये छोटा और कॉम्पैक्ट अगर आपको काम करना है तो, और इसके साथ में दो इस तरह से सिल्ली भी आ जाती है जिस पर अपन जो आपके आयरन होते हैं उसको आप घिस सकते हैं, है ना, आपके जो स्क्रैपर हो सकते हैं उनको आप घिस सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए इस तरह का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर सपोज मुझे यही पीसीबी लगानी है तो मैं पीसीबी भी लगा सकता हूँ, और जनरली आईफोन में काम करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये देखिए ये पीसीबी लगा सकता हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा हैंडलिंग, काफ़ी अच्छा, नीचे से आप देख सकते हैं मेटल यहाँ पर दिया हुआ है, और ताकि हीट सिंकिंग है एक तरह से, मतलब ये हीट को सोख लेगा अपना खुद ही, ये आपके आईसीओ को नीचे के आईसीओ को आपको जितना भी हीट उस पर जा रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसके साथ सबसे अच्छी चीज यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे दिखाइए, सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो है वो इसकी आईसी है, ये देखिए अब यही आईसी सेम हम यहाँ लगा के रखते हैं, आप ये भी परचेस कर सकते हो और ये वाला भी परचेस कर सकते हो, देखिए यहाँ पर भी आप आईसी निकाल के आप बहुत आसानी से ये देखिए सेट हो गया आपका आईसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आप आसानी से कर सकते हो, ये देखिए। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो गैप है ना एरिया वो कम मिलना है, फिर भी आप काम कर सकते हो, और यहाँ पर आप जो गैप देखेंगे वो गैप देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैप आपको यहाँ मिल रहा है, पर क्योंकि ये दोनों ही बेस्ट है, यहाँ पर देखिए वो गैप देखिए यहाँ पर देखिए आईसी पूरी की पूरी रख गई, और आप इसको बहुत आसानी से, और आप इसमें छोटी से छोटी भी लगा सकते हैं, देखिए कितना आगे तक जाता है, ये देखिए पूरा तक जाता है, इतना आईसी को कवर कर लेगा आसानी से, आपकी ईएमसी आपका पावर ये सब कुछ कर लेगा, आपका सीपीयू ये सारी चीज़ों को आपका बहुत आसानी से ग्लू कट कर देगा, तो बहुत अच्छी है। WL ये परचेज करें, और ये मैंने बताया था ये आपका यूबी लैम्प काफ़ी अच्छा है, यूबी लैम्प है, अगर काफ़ी अच्छा यूबी लैम्प है,
और ऑब्वियसली इसकी रोशनी और इसका जो लाइट का एरिया है वो भी बड़ा है और काफी अच्छा और हीटेड है। अगर मैं बात करूँ अभी मुझे हाथ में अच्छी थोड़ी सी गर्मी सी महसूस हो रही है इसके साथ, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी मतलब एक तरह से सेकंड में बताया गया है, टेम्परेचर तो नहीं कहूंगा पर ये सेकंड में बताया गया है कि कितनी देर तक आपको चलाना है, क्योंकि बहुत देर तक हम रख रहते हैं या कई बार हम होता है जल्दी उठा लेते हैं बार बार, तो आप एक आप सेट करके आसानी से इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे ये सारे प्रोडक्ट बताइएगा जरूर हमारे चैनल पर कमेंट करके और लाइक करके, इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि इससे लोगों को फायदा बहुत सारा होगा, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों और आपके लोगों को भी ये नॉलेज मिले कि आधुनिक आधुनिक प्रकार के टूल्स आ चुके हैं। और अगर आपको इन पर काम करना नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है और आप काम सीखना चाहते हैं तो इसे टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, कल ही कॉल कीजिए। कॉलिंग टाइम हमारा 12 बजे से 5 बजे तक है। बहुत से लोग बोलते हैं सर कॉल पिकअप नहीं करते, आप एक बार कॉल लगाइए, दो बार कॉल लगाइए, देखिए पहला इंस्टीट्यूट होगा जो आपका कॉल पिकअप नहीं करेगा, क्योंकि आपको हमारी जरूरत है, इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट की नहीं, स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट की जरूरत होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, और हमारे बाकी वीडियो देखने के लिए वीडियो लिस्ट में जाइए और फॉलो कीजिए ऐसा टेलीकॉम का मेन ऑफिशियल चैनल। थैंक यू।